स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको समझ आया। इलास्टिसिटी है हर बॉडी में, हर मटेरियल में इलास्टिसिटी, लेकिन किसमें ज्यादा है किसमें कम है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आपने किसी एक बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग ये एक एरिया, इस पर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर इसका एरिया इंक्रीज करा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर इसका एरिया इंक्रीज कर दिया। अब मेरे इस डिफॉर्मिंग फोर्स को डिवाइड कर दिया जाए एरिया से, तो क्या निकल कर आता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस करेक्ट। और इसके एरिया में जितना भी चेंज आया, चेंज इन एरिया को डिवाइड कर दे इसके ओरिजिनल एरिया से, तो क्या निकल कर आया? स्ट्रेन निकल कर आया। समझ गए बात? स्ट्रेस और स्ट्रेन आ गए आपके सामने, क्या आ गए? स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से बताइएगा, अगर मैं इसमें ज्यादा एरिया में ज्यादा चेंज करना चाहूं, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा लाना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस ज्यादा डालना पड़ेगा। समझे? अगर मुझे इसमें हल्का सा स्ट्रेन लाना, मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है? चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। अगर मुझे हल्का सा एरिया में चेंज करना है, चेंज इन एरिया छोटा सा है अपॉन ओरिजिनल एरिया, करने के बाद भी एक छोटी सी फिगर आपको मिली। अगली बार मैं क्या करना चाहता हूं, इसमें लार्ज एरिया में चेंज करना चाहता हूं, बहुत इसे खींच के मैं पूरी धोती बनाना चाह रहा हूं, धोती फाड़ के रुमाल नहीं, रुमाल को खींच के धोती बनाना चाह रहा हूं, जबरदस्त स्ट्रेस लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, बहुत तगड़ा इसे खींचना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट के फटे ना। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा स्ट्रेन आप लाना चाहते हैं किसी भी बॉडी में, उतना ही ज्यादा आपके स्ट्रेस डालना पड़ेगा उसके ऊपर। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये एक लॉ है। इस लॉ को बोलते हैं हुक्स लॉ, HOOK, हुक्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है हुक्स लॉ। क्या देखा इन्होंने? सिंपल सी बात है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा आप स्ट्रेन कर लाना चाहते, रबर बैंड है, जितना ज्यादा आप खींचना चाहते हो, जितना ज्यादा उसकी लंबाई आप बढ़ाना चाहते हो, उतने ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स का मतलब स्ट्रेस और लंबाई बढ़ने का मतलब स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और देखी, क्या? एक लिमिट के अंदर अंदर है ये, ऐसा ना हो कि इस रुमाल को धोती बनाने के चक्कर में मैं रुमाल ही फाड़ डालूं। लिमिट में रहो, लिमिट के अंदर अंदर काम करो। अगर आप एक रबर बैंड लीजिए, रबर बैंड लेकर के उसे एक लिमिट से ज्यादा खींच देंगे और फिर वापस छोड़ दीजिए, अरे मिल गई रबर बैंड, हाथ के नीचे आ गई। ये रबर बैंड है, इसको मैं एक लिमिट से ज्यादा, यहां तक तो ठीक है, यहां तक ठीक है, अगर लिमिट से ज्यादा मैं खींच दूं तो वापस छोड़ने के बाद भी अब इसकी लंबाई हमेशा के लिए थोड़ी सी बढ़ी रह गई है, इसीलिए आपके रबर बैंड ढीले हो जाते हैं। आप लड़कियां चोटी में रबर बैंड डालती हैं, वो महीने 10 दिन में वो बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप हर बार, जब भी आप उसे स्ट्रेस करते हैं, आप कंपनी ने आपको, रबर बैंड बनाने वाली कंपनी ने स्ट्रेस स्ट्रेन तो लिख के दिया नहीं, आपको ये तो बताया नहीं कितना स्ट्रेस इस पर डालना है, आप तो अपनी मर्जी से अपना यू पूरा उसे हाथ में पिरोया और रबर बैंड चिल्लाती रहती है, और रुक जा, मर जाऊंगी, टूट जाऊंगी, पर वो अल्टीमेटली, तो एक लिमिट के अंदर अंदर, एक लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ है। करेक्ट। क्या है हुक्स लॉ? क्या है देखिए, उन्होंने क्या कहा? विद इन लिमिट, और इस लिमिट को भी एक नाम दिया गया, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? स्ट्रेन। तो फिर इसका मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू
स्ट्रेन कांस्टेंट यहाँ के नहीं लगाया हमने, या कांस्टेंट लगाया ई, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई अ कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को कहा गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन कई तरह के हैं तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कई तरह के होंगे। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड कर दें तो आपको जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा उसका एक स्पेशल नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप सुपरफिशियल स्ट्रेस को एरियल स्ट्रेन से डिवाइड कर दें तो आपको मिला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका एक स्पेशल नाम एरियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिवाइड कर दें, रेशियो ले लें इनका, तो भी आपको इलास्टिसिटी मॉडुलस मिला, इसका नाम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी या कैपिटल के से, करेक्ट। इसी तरह आप टेंशन स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। तो चार मॉडुलस ये और लिख लीजिए उस टेबल में।